हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए खत्म कर लेते हैं हम लोग के यहाँ पे कल के सेशन में निफ्टी 50 में किस तरह का मोमेंटम हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। कल देखिए फ्रेंड्स, निफ्टी का एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, तो मे भी कल हम लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मार्केट में हम लोगों को एक छोटा सा गैप डाउन देखने के लिए मिला था, और अगर आप लोगों ने कल का मेरा एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो हम लोगों ने वहाँ पे एक डिस्कशन किया था फ्रेंड्स कि मार्केट अगर मान लीजिए गैप डाउन होता है तो थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी देखने के लिए मिल सकता है हम लोगों को। बाइंग साइड का मोमेंटम में भी थोड़ा सा देखने के लिए मिल सकता है। और ये कल के लेवल पर हम लोगों ने और दो लेवल्स डिस्कशन किए थे, सेलिंग वाले दो लेवल्स हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कशन किया था। तो वहाँ पर फ्रेंड्स, जो सेलिंग वाला हम लोगों ने जो दो दो लेवल सेलिंग का डिस्कशन किया था, वो लेवल कौन से थे? देखिए मैंने आप लोगों को क्लियर कर बताया था फ्रेंड्स वीडियो में कि मार्केट अगर 550 से लेकर 600 के लेवल पे आता है तो हम लोग को फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं सेलिंग वाला जोन होने वाला है। और देखिए फ्रेंड्स, सेम जब मार्केट सेम लेवल पाए, हम लोग को यहाँ से सेलिंग देखने के लिए मिला, फिर से पुल किया, फिर लास्ट हम लोगों को अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला। और फ्रेंड्स देखिए, जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप लोग डेली बेसिस पे बहुत सारे अपडेट्स को मिस कर रहे हैं, तो जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिलेगा, आप लोग वहाँ जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं फ्रेंड्स, मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग जरूर एक बार टेलीग्राम चैनल चेकआउट कीजिएगा, पसंद आए तो फिर आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये फ्रेंड सेम हम लोगों ने, आई होप अगर आप लोगों ने कल का एनालिसिस देखा होगा तो आप लोगों ने एक अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट को भी ऑब्जर्व किया होगा। और कल के वीडियो हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कशन किया था कि मार्केट में हम लोगों को थोड़ा सा गैप डाउन देखने के लिए मिलता था, हम लोगों को अच्छा खासा अपसाइड में रिकवरी में भी रिकवरी देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद हम लोगों को जो सेलिंग लेवल है 550 से लेकर 600 हम लोग का सेलिंग लेवल होने वाला है। और मार्केट देखिए गैप डाउन ओपनिंग होता है, पहला कैंडल देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे बुलिश कैंडल बनता है, उसके बाद देखिए फिर से थोड़ा सा सेलिंग आता है, फिर अपसाइड में मोमेंटम आता है, और एग्जैक्टली देखेंगे तो 600 के लेवल पर मार्केट पहुँचा निफ्टी, वहाँ से हम लोग सेलिंग देखने के लिए मिला। और अभी देखिए, अभी जो डिस्कशन कर रहे थे कल के सेशन में क्या प्लानिंग करना चाहिए, तो कल के सेशन में देखिए फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट लेवल है 350 का। मार्केट अगर 350 के नीचे निकलता है तभी हम लोगों को सेलिंग के लिए प्लानिंग करना है। आप लोग लेवल्स को नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 350 का जो लेवल है 24,350, इसके नीचे अगर निफ्टी निकलता तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। डाउन साइड में टारगेट हमारा 150 से 200 पॉइंट हमारा टारगेट यहाँ पे होना चाहिए डाउन साइड में। और अगर बाइंग के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो बाइंग को अभी थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है बेटर है फ्रेंड्स, को देखिए आज जिस हिसाब से 600 का लेवल से सेलिंग आया है तो ये लेवल्स आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखिएगा 24,600। हाँ, इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करते तो मे भी हम थोड़ा सा बाइंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, 100-150 पॉइंट हम लोग का मोमेंटम वहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो सेलिंग के लिए फ्रेंड्स जो लेवल हम लोगों ने डिस्कशन किया है वो है हमारा 24,350। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है निफ्टी तो हम लोग वहाँ पे एक बार सेलिंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। और मार्केट मान लीजिएगा वापस से थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होता है, ये लेवल पे कहीं पे गैप अप ओपनिंग होता है बीच में 24,500 के आसपास कहीं पर ओपनिंग होता है, तो फिर देखेंगे देखिए अपसाइड में एक्जैक्टली 24,600 से लेकर 700 नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स, ये लास्ट जो स्विंग लगा हुआ है स्विंग चेक कर लेंगे हम लोग ऑलमोस्ट। हाँ, ये देखिए 24,600 से लेकर 650, ये कम्प्लीटली हमारा वापस से एक बार सेलिंग जोन होने वाला है फिर से कल के सेशन में। तो कल के सेशन में अगर निफ्टी आप लोगों को फिर से 24,600 से लेकर 650 ये लेवल पे कहीं पे मिलता है तो एक बार फर्स्ट टाइम आप लोग सेलिंग के लिए जरूर यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख के सेलिंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। और जैसा कि हमने डिस्कशन किया, मार्केट अगर बीच में ओपनिंग होता है तो अपसाइड में जो लेवल से मैंने आप लोगों को बताया 24,650 से लेकर 650 ये सेलिंग वाला एरिया होने वाला है, और डाउन साइड में जो एरिया है 350 से लेकर 400 एक कम्प्लीटली सपोर्ट का काम करेगा अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप देखने के लिए मिलता है तो। अदरवाइज देखिए फ्रेंड्स, मार्केट अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होता है तो फ्लैट ओपनिंग के केस में सेलिंग के चांसेस वापस से बढ़ जाता है, हम लोग फ्रेंड्स सेलिंग के लिए प्लानिंग करेंगे तो बेटर रहेगा फ्लैट ओपनिंग के केस में। और सेलिंग हम लोग कहाँ पे करेंगे, 400 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो वहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सेलिंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, अदरवाइज सेलिंग हम लोग को देखने के लिए मिलेगा 350 के नीचे, यानी आज का एक्जैक्टली लो लगा है ऑलमोस्ट। हम लोग अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो आज का लो 350 नहीं, यहाँ पे लो चेक कर लेंगे 378 का लो लगा हुआ है। तो 400 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो हम लोग सेलिंग के लिए थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हैं, एग्रेसिव सेलिंग फ्रेंड्स 350 के नीचे में एग्रेसिव सेलिंग में भी निफ्टी में आ सकता है। और जैसे कि मैंने आप लोग बताया फ्रेंड्स, बाइंग को अभी थोड़ा सा अवॉइड करना ही बेटर है, क्योंकि एग्जैक्टली निफ्टी अगर 600 के ऊपर कहीं सस्टेन करता है तभी हम लोगों को मे भी यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। और देखिए वापस से निफ्टी का गैप डाउन होता है फ्रेंड्स, तब थोड़ा सा आप हम लोग को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, पहला कैनल किस तरह से बन रहा है उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे। गैप डाउन के केस में मार्केट मान लिया थोड़ा सा ऐसे पुल करके ऊपर जाता है और ये लेवल पे कहीं पे आप लोगों को मिले, यानी आज का तो क्लोजिंग पैसे उस लेवल पे मिले तो हम लोग वहाँ पे एक बार सेलिंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज गैप डाउन होता है मान लीजिए मार्केट और पहला कैंडल अगर होल्ड करता है या फिर पहला कैंडल से सेलिंग आता है तो थोड़ा सा वहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग के लिए आप लोग प्लानिंग कर सकते हो। ओवरऑल फ्रेंड्स देखेंगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं सेल ऑफ हो रहा है, आज भी देखिए 600 के पास पहुँचा जो हम लोगों ने लेवल डिस्कशन किए थे
वो लेवल से पाँच पे पास पहुंचा, फिर से वहाँ पे हम लोग सेलिंग देखने के लिए मिला। तो ये सब लेवल थोड़ा नोट कर लीजिए अपने सेलिंग वाले एरियाज, क्योंकि फिलहाल अभी जैसे मार्केट में एवरी राइस पे सेलिंग ही आ रहा है, तो सेलिंग का लेवल हम लोग नोट करेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा। फिर सेल साइड का प्रेफर ज़्यादा करना है हम लोगों को। 24,600 से लेकर 650 कम्प्लीटली सेलिंग जोन है, यहाँ पर मे भी सेलिंग आ सकता है फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये मेरा एनालिसिस है, आप लोगों का कुछ और हो सकता है, तो आप लोग अपने एंड से जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, मैं बस ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, बाइंग सेलिंग में कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मुझे जितना समझ में आता मैंने आप लोगों को समझाया, आप लोगों को बताया, बात बात आप लोग अपने एंड से जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और चलिए हम लोग एक बार बैंक निफ्टी देखते हैं, क्योंकि कल के दिन हम लोगों ने बैंक निफ्टी में भी कुछ डिस्कशन किया था, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, और अगर आप लोगों को याद हो तो कल के सेशन में हम लोगों ने लेवल्स डिस्कशन किए थे कुछ लेवल्स। चलिए हम लोगों को लेवल्स के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी में कल हम लोगों ने क्लियर कट बताया था मैंने आप लोगों को, बैंक निफ्टी अगर 51,000 के नीचे निकलता है तभी हम लोगों को सेलिंग के लिए प्लानिंग करना है, अदरवाइज हम लोगों को सेलिंग यहाँ पर नहीं देखने वाला है और सेलिंग हम लोगों को करना भी नहीं है। एग्जैक्टली देखिए फ्रेंड्स, मार्केट आसपास में ओपन हुआ, 51,000 के पास में ओपन हुआ, पहला कैंडल बहुत अच्छा बुलिश बना, फिर से थोड़ा सा नेगेटिव आया, फिर बाइंग गया। उसके बाद देखिए, लेकिन पूरा दिन हम लोगों को बैंक निफ्टी में एक छोटा सा मोमेंटम देखने के लिए मिला। ऑलमोस्ट देखेंगे तो 200 पॉइंट के अंदर में बैंक निफ्टी सारा दिन ट्रेड हुआ फ्रेंड्स। यही अगर मॉर्निंग में यहाँ पे कंसोलिडेशन जिस हिसाब से कर रहा था, फिर अगर 51,000 के नीचे ब्रेकडाउन करता तो हम लोगों को हैवी फॉल देखने के लिए मिलता बैंक निफ्टी के अंदर में। लेकिन एग्जैक्टली फ्रेंड, इसलिए मैं बोलता हूँ लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप नोट कर लीजिए। और लेवल्स बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं मार्केट में। हाँ, मे भी 10 में से फ्रेंड्स 8 बार काम करे, 2 बार काम ना ही करे, लेकिन स्टिल 8 बार करेगा तब भी हमारा काम जो है चल जाएगा आराम से। तो कल के सेशन में भी क्लियर कट सिंपल सा एनालिसिस यही रहने वाला है, बिलो 51,000 के नीचे हम लोग को सेलिंग के लिए प्लानिंग करना है बैंक निफ्टी में। और टारगेट हमारा यहाँ पर 200 से 300 पॉइंट हम लोग यहाँ पर टारगेट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो 51,000 का लेवल फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर नोट करके रख लीजिएगा बैंक निफ्टी के अंदर फ्रेंड्स। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और हाँ, और चीज़ मैं आपको इसलिए और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर निफ्टी में। देखिए निफ्टी में हम लोग एक इंटरेस्टिंग, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं बोलेंगे, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना डे टाइम फ्रेम। चलिए मैं आप लोगों के बारे में दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने निफ्टी का डे टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर लिया है, और ब्रेकडाउन भी हम लोग को अच्छा खासा कर ली जिस तरह से कैंडल्स हैं। ये कैंडल से हम लोग को ब्रेकडाउन मिला था कम्प्लीटली, तो कल ही लग रहा था सेलिंग आने वाला है, और आया भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेलिंग, यहाँ पर सेलिंग हुआ भी। और आज देखिए जो कैंडल बना है ना, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है प्लस ओपन इज इक्वल टू लो बना है आज के। ये ओपन इज इक्वल टू लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आप लोग बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ओपन प्राइस 24,378 के पास ओपन प्राइस है, और सेम हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे फिर देखिए 24,378 ओपन प्राइस है, और लो प्राइस भी 24,378 है फ्रेंड्स। तो जब तक इसका लो बचा हुआ है ना, तब तक सेलिंग रिकमेंडेड, मतलब सेलिंग नहीं करना है, प्रेफर करेंगे। इसलिए मैंने आप लोग बोला कि फ्रेश सेलिंग हम लोग 350 के नीचे मे भी देखने के लिए मिल सकता है, अदरवाइज़ 400 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करते तो भी हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लानिंग थोड़ा सा कर सकते हैं। लेकिन जब तक इसका लो बचा हुआ है सेलिंग थोड़ा सा अवॉइड करना अच्छा। हालांकि इसका लो में भी सेलिंग प्रेशर जिस तरफ से आ रहा है मे भी ब्रेक हो सकता है, फिर नहीं भी हो सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद ही सेलिंग के लिए प्लानिंग कीजिएगा। उसका लो याद रखिएगा 378, इस लो के नीचे निकलते फिर हम लोग वापस से 150 से 200 पॉइंट मोमेंटम निफ्टी में मे भी देखने के लिए मिल सकता है। और कल देखिए एक्सपायरी डे है फ्रेंड्स, तो हो सकता है हम लोग एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी में। तो जो भी होगा फ्रेंड्स, कल देखते हैं किस तरह से क्या प्लानिंग किया जाता है, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे वापस से। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल आप लोग हमारा ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्जेस वहाँ पे नहीं लग रहा फ्रेंड्स। और अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।